कोई रिश्वत ली जाती है कहीं पे? हर जगह ली जाती है, बहुत जगह ली जाती है। अभी देखो कश्मीर के अंदर हर जगह रिश्वत ली जाती है। अब मैं आया हूँ, 3500 रुपये रिश्वत लिया है। 3500 रुपया रिश्वत दी है आपने? हर 2 किलोमीटर पर ट्रैफिक पुलिस प्रशासन खड़े हैं, वो एंट्री मांगते हैं क्या बोल के? रिश्वत पैसे मांगते लेते हैं हैं, नहीं तो कोर्ट का चालान करते हैं। अगर 1500 रुपये देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट का चालान रखते रहो। बात ये बोल के क्या बोल के रिश्वत मांगते हैं? कुछ नहीं है, वो वर्दी नहीं है, कभी बोलते बूट नहीं है, कभी बोलते वो नहीं है, ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। अगर ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है तो कौन लेके जाता है? मेरा लाइसेंस है, कंप्लीट है, मेरा चालान किया है, कोई गाड़ी के अंदर कसूर नहीं है, आप चेक कर सकते हो। और चालान डाल दिया, सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। चलने लिया था 1800 रुपये एंट्री, पहले 1000 रुपये मांगा था, मैंने बोला 1000 रुपये नहीं है, चालान कर दिया, मतलब रिश्वत नहीं दी तो चालान कर दिया। फिर बोला 800 रुपये मांगा, नहीं है तो चालान करेंगे, कर दो सर। अगर रास्ते का करें कोर्ट का, रास्ते का कितने का? 1000 रुपये का होगा सर। नहीं तो कोर्ट का करेंगे, कर दो कोर्ट का, और क्या होगा? फिर कोर्ट का चालान किया है, अब ये भरेंगे कम से मतलब कम। आप देखिए, 500 रुपये का भी खर्चा नहीं है पर 5000 रुपये अभी लगेगा कोर्ट में, क्यों? वकील करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, इसके लिए क्या करें? कोई सुनवाई नहीं है। तो देखिए, पहले इन्होंने जिस तरह से कहा कि पहले इनसे 1000 रुपये मांगे गए, इन्होंने बोला नहीं है 1000 रुपये, उन्होंने बोला 800 रुपया ही दे दो, इन्होंने बोला वो भी नहीं है, और किस तरह से उसके बाद इनका खामखा का चालान कर दिया। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जब ट्रक में सेब लाद के ले जाए जाते हैं तो किस तरह से वो खराब हो जाते हैं। इस वक्त मैं जम्मू में मौजूद हूँ और 3 ट्रक जैसलमेर से आए हैं जो कश्मीर से सेब लेके जैसलमेर जा रहे हैं, यानी राजस्थान जा रहे हैं। तो देखिए, एक ट्रक आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ट्रक इस तरफ है और तीसरा ट्रक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तीसरा ट्रक वो देखिए, तीसरा ट्रक वो है। तो तीनों ट्रक सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के सेब लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब खराब कैसे होते हैं वो आपको, वो देखिए, सेब की पेटियां आपको दिख रही होंगी कि सेब पे ये जो ट्रक है सेब से लदा हुआ है, और इसके जो ड्राइवर हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगर ज्यादा देर तक ट्रक को रास्ते में रोका जाता है तो सेब किस तरह से खराब हो जाते हैं। जो भैया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कर्माराम है। बताइए किस तरह से सेब खराब हो जाते हैं? 6-4, 4-5 दिन कानवे में गाड़ी खड़ी रहती है, वहाँ पे खड़ी रहती है तो गाड़ियाँ छोड़ते नहीं है तो सेब खराब हो जाती है। बाद में आगे जाते हैं तो पार्टी वाले खाली भी नहीं करवाते और किराया भी नहीं देते। ये समझाइएगा, जैसे आप बता रहे थे 3 तरपाल होती है जिसकी वजह से खराब हो जाते हैं, उसके बारे में बताइएगा। अभी यहाँ वहाँ भर के लोड करके बोल के तिरपाल डालो, 3-3 तिरपाल डालो, 3-3 तिरपाल डालते हैं, बाद में कानवे में गाड़ी 5-5, 6-6 दिन छोड़ते नहीं है, बाद में गाड़ियाँ खड़ी रहती है, बाद में सेब खराब हो जाती है, बाद में आगे पार्टी वाले खाली नहीं करवा रहे, खड़ा रहना पड़ता है। कितना नुकसान होता है फिर अगर सेब की पेटियाँ खराब हो जाती? नुकसान तो होता ही है ना, एक पेटी लगभग 1000 रुपये की है। 1000 रुपये की? हाँ। तीन ट्रक में कितनी पेटी होगी? 3 ट्रक में, एक ट्रक में पेटी 1500 पेटी है। कश्मीर का सेब के बारे में मतलब कितना लोग खरीदते हैं? बहुत खरीदते हैं सर, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, क्या कहेंगे कि फिलहाल क्या कहेंगे कि जो सरकार है उसको क्या करना चाहिए, उसको ज्यादा देर तक ट्रक को नहीं रोकना चाहिए? ट्रक सरकार को यही अपील है कि जो फ्रूट भरी हुई गाड़ी है वो उसको ज्यादा रोकना नहीं चाहिए, एक दिन से ज्यादा नहीं रोकना चाहिए, भरी गाड़ी वो निकाल देना चाहिए, बाद में आगे गाड़ी वाले का नुकसान होता है, वो पार्टी वाला खाली नहीं करता, वो किराए से पैसा काटता है। और जो ये 3 तरपाल है, इसकी गर्माइश जो जाती है, हाँ, उसके बारे में समझाइएगा। हाँ, तो कैसे जल्दी खराब हो जाता है? 3-3 तरपाल डालो, वह गाड़ी खड़ी रहती है, 3 तरपाल अंदर हवा नहीं जा रही है, बाद में सेव खराब हो जाती है गर्मी से। हाँ जी, शुक्रिया भैया। तो हम देखा जैसलमेर से भैया आए हुए थे जो बता रहे थे किस तरह से सेब खराब हो जाते हैं। एक और भैया हमारे साथ है जैसलमेर से, भैया अपना नाम बताइएगा। रोशन खान। रोशन खान जी, बताइएगा कि जब आप भी जैसलमेर से आए हैं और जो ट्रक लेके जा रहे हैं सेब के, तो क्या कहेंगे कि आपको रास्ते में ज्यादा देर रोका जाए तो नुकसान होता है? नुकसान तो होता है सर, काफी नुकसान होता है, काफी होता है, ड्राइवर का, व्यापारी का, सबका सबका। तो आप भी कश्मीर के सेब लेना काटा जाता है, पैसा व्यापारी भी काट लेते हैं पैसा, और रास्ते में परेशान करते हैं हर जगह। अब 5-5 दिन से गाड़ियां लोड खड़ी है,
और आगे जाएगा वहाँ तो व्यापारी ड्राइवर पे परेशान करेगा, पैसा काटते है, क्या करे बताओ। कहीं पर आपको ड्राइवरों की सुनवाई नहीं है और फिर चालान किया है कोर्ट का, ऐसा बात है, क्या करे, कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल सुनवाई है नहीं। यहाँ से निकलने के बाद है ये जो अपना उधमपुर पार करने के बाद हर 5 किलोमीटर पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, 500 रुपए से नीचे तो बात ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं एक ट्रक ड्राइवर की जुबानी, हर 5 किलोमीटर के बाद उधमपुर से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके उधमपुर तक। हाँ, और यहाँ भी मिलते हैं, यहाँ तो कम परेशान करते हैं, करते हैं जरूर, पर कश्मीर में ज्यादा परेशान, कश्मीर में ज्यादा है। और दूसरी बात ये, कोई कसूर नहीं है फिर भी वो पैसे लेते हैं। अब मेरा 1800 रुपये लिया एंट्री पे ले, और उसके बाद में कोर्ट का चालान किया, कोई गलती नहीं, आज इसमें परफेक्ट साइड में खड़ी गाड़ी, ऐसा हालात है। तो क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से ट्रक ड्राइवरों को, जो जो परेशानी होती है उसको दूर की जाए, क्या बोलना चाहेंगे? हम तो सरकार से ये अपील करते हैं कि ये भ्रष्टाचार को रोका जाए और बिना ही मतलब के ड्राइवर को परेशान करते हैं, इस पर प्रतिबंध लगे, ये हमारी अपील है। कोई फॉल्ट नहीं होने के कारण भी परेशान किया जाता है, इसका क्या करें, कोई सुनवाई नहीं है ड्राइवर के लिए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एक तो आपको रिश्वत दे दे के नुकसान, ऊपर से अगर ज्यादा देर रास्ते में रोका जाए तो माल का नुकसान, दो दो नुकसान होते हैं। माल का नुकसान होता है, वो भी ड्राइवर का पैसा काटा जाता है, न तो मोटर मालिक देता है और न ही अगली पार्टी देती है, न कोई सुनवाई करता है। ड्राइवर को 1000, 12000, 13000 रुपये पगार मिल रहा है, उसमें से भी महीने में 4-5000 रुपये कट जाता है, महीना होता है वो तो रोता ही रहता है, उसको तो घर के बेचारे गरीब भूखे के भूखे रहते हैं। कभी एक महीना ऐसा जाता है कि इस बार नहीं कटता है, अभी ये मैं 5 दिन से आया हूँ, आगे जाऊँगा कम से कम 5000 रुपये काटेगा, कुछ भी नहीं होगा तो एक खाली कार्टून में क्रॉस लग जाएगा तो बोलेगा ये माल डैमेज हो गया। जब हम बोलते हैं कि भाई माल डैमेज है, आप पैसा काट रहे हो तो हमको माल दे दो, वो भी नहीं दे रहे हैं ना, वो भी और रख लेते हैं और पैसा काट लेते हैं, ना कोई ट्रांसपोर्ट सुनवाई करता है, नहीं कोई प्रशासन सुनवाई करता है, और ड्राइवर मारा जाता है, गरीब आदमी मारा जाता है। तो देखिए कि एक ड्राइवर कितना ही कमा लेता है, पहले तो रिश्वत देनी पड़ती है, फिर उसके बाद माल का नुकसान, उसके बाद जब वहां पे पहुंचेगा व्यापारी भी पैसा काट लेगा, ट्रिपल नुकसान ड्राइवर को होता है, पर कोई सुनवाई ड्राइवर्स की नहीं है। अब सेब कश्मीर के सेब लेके जा रहे हैं, अब क्या लगता है इतनी देर आपको रास्ते में रोका गया तो कितना नुकसान हो गया होगा? ये चालान किया है मेरा, 3 से गाड़ी खड़ी है और इसके अंदर पहले 1800 रुपये एंट्री लिया ट्रैफिक पुलिस ने, फिर चालान किया है कोर्ट का और लाइसेंस रख लिया है, जब ये चालान भरेंगे तब वो मिलेगा। किस बात का चालान किया है? कोई कुछ बात नहीं, अब ऐसे गाड़ी खड़ी है, साइड में खड़ी गाड़ी थी, सुबह 9:30 का टाइम था बराबर, और ट्रैफिक पुलिस गाड़ी आई, खड़ी किया, जैसे कि इन्होंने बोला सब कुछ ठीक ठाक था, उसके बाद ट्रक सिर्फ साइड पे लगाया हुआ था और उसके बाद जो है चालान कर दिया। तो क्या जाते जाते कहना चाहेंगे इंतजामिया से? यही है सर, इस पे प्रतिबंध लगाया जाए और हमारे लिए थोड़ी सुनवाई की जाए, 24 घंटे सेवा करते हैं, देश की माल होते हैं, इधर से उधर पहुँचाते हैं और नुकसान होता है गरीब आदमी का, इस पे सुनवाई करे और इसकी भरपाई की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि ये तीनों सारे जितने भी तीनों ट्रक्स जैसलमेर से आए थे और कश्मीर सेब लेने गए थे, और कश्मीर में क्या कुछ इनके साथ सलूक हुआ ट्रैफिक कॉप्स द्वारा, वो आपने इन्हीं की जुबानी सुना। बार 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 मैं इस तरह की खबरें दिखाती हूँ पर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और ये रिश्वतखोरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी सवाल के साथ कि अगर हर ड्राइवर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ तो सच होगा, देखते रहिए।